हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करना है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी डी ई एंड बी इज़ द सेट ऑफ सी डी ई एफ एंड सी इज़ द सेट ऑफ बी डी ऑल्सो डी इज़ द सेट ऑफ ए एंड डी, देन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, पहला जो स्टेटमेंट है वो है सी इज़ द सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या हो जाएगा, सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम चेक करेंगे कि बी में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो बी में प्रेजेंट होंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं सी में कौन से एलिमेंट्स है। सी में है बी और डी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बी जो सेट है उसमें एक एलिमेंट मिसिंग है जो है डी, तो ये जो स्टेटमेंट हो गया है ये फॉल्स हो गया। ओके, अगर आपको इसका रीज़न लिखना है तो आप लिख सकते हैं बिकॉज द एलिमेंट बी ऑफ द सेट सी इज़ नॉट इन सेट बी। ओके, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो रीज़न, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ए इज़ द सेट ऑफ डी। मतलब ए के सारे एलिमेंट डी में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि ए में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट डी इज 2। तो आपको पता चल रहा है कि ए जो सेट है वो बड़ा सेट है, और बड़ा सेट जो है वो छोटे वाले सेट का सबसेट तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, इसका रीज़न आप लिख सकते हो बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट डी। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, D इज द सेट ऑफ B। मतलब D के सारे एलिमेंट B में है या नहीं ये हम देखेंगे। तो D में कौन से एलिमेंट है, A और E, और B के जो एलिमेंट है वो है C, D, E और F। इसमें आप देख सकते हैं A वाला जो एलिमेंट है वो मिसिंग है, तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। और इसका रीज़न हम लिखने वाले हैं बिकॉज एलिमेंट A ऑफ सेट D इज नॉट इन सेट B। ओके, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है डी इज़ द सेट ऑफ ए। डी में दो ही एलिमेंट है और बी में नंबर 5 एलिमेंट्स है, तो ये हो सकता है, लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि एलिमेंट्स है या नहीं। तो डी में कौन से एलिमेंट है, डी में है ए और ई, और ए में क्या है ए बी सी डी और ई। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ओके, और इसका रीज़न हम लिखेंगे बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ डी, एलिमेंट्स ए एंड ई बोथ ऑफ द सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट ए। समझ में आ गया, डी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, इसलिए यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, इसके बाद वाला स्टेटमेंट हम चेक करते हैं, बी इज़ द सेट ऑफ ए। मतलब बी के एलिमेंट्स ए में है या नहीं ये हम देखने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बी का जो एक एलिमेंट है एफ वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा बिकॉज एलिमेंट एफ ऑफ सेट बी इज नॉट इन द सेट ऑफ ए। ओके, और जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो है सी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब सी के एलिमेंट चेक करते हैं कि ए में प्रेजेंट है या नहीं। तो देख सकते हैं आप सी के जो दोनों एलिमेंट है बी और डी वो दोनों के दोनों ए में प्रेजेंट है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज एलिमेंट्स बी एंड डी बोथ ऑफ द सेट सी आर प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे हम सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। मतलब हमें नेचुरल नंबर्स गिवन है फ्रॉम 1 to 20, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है। हमें यूनिवर्सल सेट पहले ही गिवन है, और हमें उसके बाद क्या करना है, हमें दो सेट्स गिवन है एक्स एंड वाई, उनको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है उनका। तो पहले हम पहला वाला सेट देखेंगे जो है एक्स इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब एक्स, ये जो सेट है हमारा एक्स, उसके जितने जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी नेचुरल नंबर को बिलोंग करने वाले। मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स होंगे। ओके, और एक कंडीशन भी गिवन है, एक्स इज स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 7 and 15। मतलब एक्स जो एलिमेंट होगा वो 7 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो यूनिवर्सल सेट गिवन है वो लिख लेते हैं। ओके, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, द नंबर्स बिटवीन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ये तो बहुत बड़ा सेट दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें
आपने ये लिस्टिंग मेथड में पढ़ा है। ओके, इसके बाद हम अपने सेट को लिखते हैं। हमारा सेट क्या है? एक्स। और ये सेट कैसा होने वाला है? इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और 7 से बड़े होंगे और 15 से छोटे होने वाले। तो ये सेट हो जाएगा एक्स इज द सेट ऑफ 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस वाले सेट को वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम हम किस मतलब कौन सा वाला शेप यूज़ करते हैं? अगर हमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कौन सा वाला शेप यूज़ करते हैं? हम रेक्टेंगल फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, और इसको हम डिनोट करेंगे यू से। यू जो है ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके बाद हम एक क्लोज फिगर कंसिडर कर लेते हैं इस टाइप की, और इसको नाम दे देते हैं एक्स। ओके, तो हमारे एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें लिख लेते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है हमारे? 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ओके, उसके बाद हमारे यूनिवर्सल सेट जो है हमारा यू, उसमें जितने भी एलिमेंट्स अभी बचे होंगे वो हम इस क्लोज फिगर के बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमें एक और सेट गिवन है वाई। अभी वाई के एलिमेंट्स कैसे होने वाले हैं? वाई इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। जो भी वाई के एलिमेंट्स होंगे वो भी नेचुरल नंबर होंगे। इसमें भी एक कंडीशन गिवन है जो है वाई इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। मतलब ये जो नंबर होने वाले हैं वाई के सभी नंबर प्राइम नंबर होंगे फ्रॉम 1 to 20। अभी प्राइम नंबर यानी क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके हम फैक्टर्स नहीं गिरा सकते, मतलब जिनके फैक्टर्स नहीं बना सकते हम। तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं? तो ये नंबर्स हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। नहीं बना सकते। ओके, अभी जो हमारा नंबर है 1, ये भी तो ऐसा नंबर है जिनके फैक्टर नहीं बना सकते, लेकिन 1 जो है वो हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर है। मतलब उसको हम प्राइम भी नहीं बोलेंगे और कंपोजिट नंबर भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा। तो अभी इसका भी रिप्रेजेंटेशन हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लेंगे। ओके, जिसको हम बोलेंगे यू। ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल से। इसके बाद एक क्लोज फिगर कंसिडर करेंगे। ओके, और इसका नाम होगा वाई। तो हम अभी हमने जो ये वाई का जो सेट लिखा है उसको उसके नंबर्स हम इसमें लिख देंगे। तो वो नंबर्स क्या है हमारे? ये सब। ओके, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। उसके बाद हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो दोनों एक्स एंड वाई सेट के लिए कॉमन है। तो अभी हमने वाई सेट तो लिख लिया, अभी जो भी नंबर्स यूनिवर्स सेट में बचे होंगे वो हम इसके बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है यूज सेट ऑफ मतलब यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें कुछ नंबर्स है जो है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। उसके बाद और एक सेट गिवन है जो है पी विच इज इक्वल्स टू 1, 3, 7 एंड 10। ठीक है, हमें दो सेट्स गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट है और एक सिंपल सेट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमें? टू शो द सेट्स यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम। हमें दो सेट्स गिवन है लेकिन हमें ये तीसरा सेट एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया है पी डैश। पी डैश मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ पी, हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? इस पी डैश को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना यूनिवर्सल सेट और गिवन सेट लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा? U इक्वल्स टू द सेट ऑफ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और उसके बाद हमारा एक सेट गिवन है P विच इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1, 3, 7 एंड 10। उसके बाद हमारा P डैश जो सेट है वो क्या हो जाएगा? P डैश इज द सेट ऑफ और P डैश इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स Dash is the set having elements of U which are not in
सेट पी मतलब विच इज इक्वल्स टू, आप मैं पहले लिख दूंगी बाद में एक्सप्लेन करूंगी, 2, 8, 9, 11 एंड 12। ओके, तो पी डैश मतलब कौन सा सेट हो रहा है यहाँ पे? पी डैश मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट जो है वो पी में नहीं होंगे, यू में होंगे लेकिन पी में नहीं होंगे। तो वो जो एलिमेंट्स है वो है 2, 8, 9, 11 एंड 12। अब मैंने ये सेट कैसे लिखा, तो आप देख लो हमारे पास पी सेट गिवन है और एक यू सेट गिवन है। ओके, पी डैश मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट जो है वो यू में होंगे लेकिन पी में नहीं होने वाले। तो सिंपली पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स अगर हमने निकाल दिए यूनिवर्सल सेट से, तो जितने भी एलिमेंट्स बचने वाले हैं वो सब के सब इस पी डैश के एलिमेंट होंगे। ओके, अभी इसको हम वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय रेक्टेंगुलर शेप। ओके, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमने एक क्लोज फिगर ले ली और ये हो गया हमारा पी सेट। तो इसमें हम अभी नंबर्स फिल कर देंगे। तो पी में कौन से एलिमेंट्स हैं? पी में एलिमेंट्स है 1, 3, 7 एंड 8। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जितने भी बचे हुए नंबर्स है वो है 2, 8, 9, 11 एंड 12। और पी डैश हमने क्या बोला था? ऐसे एलिमेंट्स जो पी में नहीं है, यू में है। तो पी वाला जो सेट है उसको अगर हटा देंगे तो जितने भी हमारे नंबर्स बाहर बच रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लू वाले शेडेड पोर्शन में जितने भी नंबर्स है वो हमारा हो जाएगा पी डैश। ओके, उसके बाद हम ये जो पी वाला जो सेट है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। इसका हमें थोड़ा काम है बाद में इसलिए, ठीक है। अभी सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है? हमें एक्चुअली वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी डैश इक्वल्स टू पी होता है या नहीं। मतलब हमारे पास अभी पी डैश के तो एलिमेंट आ गए ना, अगर हमने पी डैश इस सेट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हमें पी मिलता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम वेरीफाई करने लिख लेंगे कि हमें क्या वेरीफाई करना है। ओके, हमें पी डैश सेट भी बनाए, ओके, 2, 8, 9, 11, 12। और पी डैश ऑफ डैश मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हमारे पास जो पी डैश एलिमेंट है उसका भी अगर हमने डैश लिया तो वो हो जाएगा एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन पी डैश। मतलब ऐसे ही एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन पी डैश में नहीं है। तो इस डायग्राम को देख के आपको पता चलता है कि पी डैश वाला सेट कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। ओके, तो पी डैश ऑफ डैश क्या हो जाएगा? इस ब्लू वाले कलर को छोड़ के जो पोर्शन हमें मिलेगा वहाँ के एलिमेंट, तो ब्लू वाले पोर्शन को छोड़ेंगे तो हमें कौन सा पोर्शन मिलने वाला है? ग्रीन कलर वाला। तो जो एलिमेंट्स ग्रीन कलर में प्रेजेंट होंगे वो हो गए हमारे पी डैश ऑफ डैश, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, पी डैश ऑफ डैश इक्वल्स टू हो गए हमारे 1, 3, 7 एंड 10। लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो क्या कि ये जो एलिमेंट्स है वो हमारे पी के एलिमेंट जैसे ही दिख रहे हैं? लेकिन नहीं, आप इक्वेशन 1 में भी देख सकते हो ये जो सेट हो जाएगा फ्रॉम 1। तो आप तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी इसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन देख, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ए इज द सेट ऑफ 1, 3, 2, 7 और ये हमें गिवन सेट है और इसके हमें कोई भी 3 सबसेट लिखना है। मैं यहाँ पे सभी के सभी सबसेट आपको बता दूंगी, आपको जो इजी लगे जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला सेट क्या हो जाएगा? सिंगल सिंगल एलिमेंट का हम सेट लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो वो सेट हो जाएगा द सबसेट ऑफ सेट ए आर एस फॉलो। सबसे पहले हम सिंगल वाले सेट ले लेंगे, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3 एंड सेट ऑफ 7। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना ये जो हमारा नंबर है 1 इसको हम कॉमन एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अगर 1 को हमने कॉमन रख लिया तो हमारे सेट कैसे से बन जाएंगे? हमें मिल जाएगा इस टाइप का सेट जो है 1, 3, 1, 2, 1, 7, 1, 3, 2, 1, 3, 7 एंड 1, 2, 7। इस सभी सेट में मैंने क्या किया है, जो नंबर 1 है हमारा एलिमेंट 1 उसको कॉमन रखा है, ठीक है। उसके बाद हम जो दूसरा वाला एलिमेंट है हमारा 3 उसको कॉमन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा सेट मिलने वाला है? तो हमें मिल जाएगा द सेट 3, 2, सेट 3, 7, सेट 3, 2, 7, ठीक है।
दो एलिमेंट कॉमन हो गए, अब हम तीसरे वाले को कॉमन लेंगे जो है हमारा टू, इसको कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 7। ऐसा नहीं कि यही एलिमेंट मिलने वाले हैं, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन पहले जो मैंने सेट लिखे हैं ना रिपीट होने वाले, आप चेक कर सकते हो, आप हर एक को कॉमन रख के पूरे सेट लिख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेट रिपीट आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। ओके, अभी मैंने क्या किसको लिया था कॉमन, 2 को लिया था। ओके, उसके बाद हम 7 को कॉमन, 7 को कॉमन लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरे सेट यहीं पे आ गए हैं, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हमने सबसेट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अगर हमें कोई भी सेट गिवन हो तो वो खुद का ही सबसेट होता है, ऐसे सबसेट की सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से सेट क्या बन जाएगा हमारा, सेट ऑफ 1 3 2 7। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एवरी सेट सॉरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी सबसेट की ही प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी सेट है तो जो एम्प्टी सेट होगा वो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल हमारे पास कितने सेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16। तो यहाँ पे 16 सेट है, तो अभी मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 16 सेट है मतलब पूरे सेट हो गए, ऐसा तो नहीं है, आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये गिवन से, दैट इज 2 to the power n इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे, ठीक है, उसका उसको अगर हमने 2 के पावर में लिख दिया तो जितना जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ सेट। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 3 2 और 7, ये हो गए हमारे 4 एलिमेंट। तो अगर हमने यहाँ पे n की जगह पे अगर 4 लिख दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 to the power 4 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 16 हो गया। अब और हम तो ये जो 16 होगा वो हमारे नंबर ऑफ सबसेट होंगे, मतलब 16 सबसेट हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गए 16 सबसेट, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे कुछ रिलेशन सबसेट के रिलेशन गिवन है तो हमें उनको बस चेक करना है। तो पहला वाला रिलेशन क्या है, पी इज द सेट ऑफ रेसिडेंट ऑफ पुणे। ओके, मतलब पुणे के जो रेसिडेंट होंगे उनको हमने पी से डिनोट किया है, मध्य प्रदेश के जो रेसिडेंट होंगे उनको हम एम बोलेंगे, इंदौर के रेसिडेंट को हम बोलेंगे आई, और इंडिया के रेसिडेंट को बोलेंगे बी, और वैसे ही महाराष्ट्र के जो भी रेसिडेंट होंगे उनको बोलेंगे हम एच। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो अभी हमने ऊपर में एग्जाम्पल गिवन है ना उनमें से हम किस वाले सेट को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ऐसा हमें देखना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक छोटी सी ट्री डायग्राम जैसे कुछ बना लेंगे जिससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी चेक करने। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है इंडिया को क्या बोलेंगे हम, मतलब इंडिया रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे बी से, महाराष्ट्र को एच, मध्य प्रदेश से एम, पुणे को पी और इंदौर से आई। आप क्रॉस चेक कर सकते हो करेक्ट है कि नहीं तो। ठीक है, उसके बाद इसी डायग्राम से आप बता सकते हो कि जो पी में रहने वाले जो मतलब पी का जो रेसिडेंट होगा वो महाराष्ट्र में ही होगा और महाराष्ट्र का इंडिया में होगा। उसी तरह से इंदौर का रेसिडेंट जो होगा वो मध्य प्रदेश में होगा और मध्य प्रदेश का रेसिडेंट इंडिया में होगा। तो अभी इसको लिखना, और इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा इंडिया होने वाला है। ठीक है, अब ये तो डायग्रामेटिकल फॉर्म हो गया, अभी लिखना कैसे है वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी आंसर को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पुणे से शुरू करते हैं। ठीक है, पुणे के रेसिडेंट जो होंगे वो महाराष्ट्र में आने वाले हैं, पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र का जो पुणे के जो रेसिडेंट होंगे वो इंडिया में भी होंगे, तो बी जो होगा बी का भी सबसेट हो जाएगा। उसी तरह से महाराष्ट्र के जो रेसिडेंट है वो इंडिया में भी आ रहे हैं, तो मतलब महाराष्ट्र में जो भी लोग होंगे वो इंडिया में भी आ रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एच इज द सबसेट ऑफ बी। उसी तरह से इंदौर के जो रेसिडेंट हैं वो मध्य प्रदेश में आएंगे। ठीक है, मतलब इंदौर में जितने भी लोग हैं वो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसेट है, और मध्य प्रदेश के जो रेसिडेंट है मतलब मध्य प्रदेश में जितने भी लोग होंगे वो भी इंडिया में ही आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश इंडिया का सबसेट है। लिखते समय लिखेंगे हम आई इज द सबसेट ऑफ बी।
उसी तरह से मध्य प्रदेश जो है इंडिया में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे एम इज़ द सबसेट ऑफ बी। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैंने पूरे छः के छः सबसेट लिख लिए, मतलब जो हमें रिलेशन गिवन था उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें यही था कि हमें सिर्फ रिलेशन दिखाना था, और सेकंड सेट में हमें देखना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा इनमें से। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इंडिया जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, सिर्फ इतना कैसे ये समझ लो, फ्रॉम अबो ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर बी इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी जो हमारा रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कैन बी चूजन एज द यूनिवर्सल सेट। क्यों इंडिया को ही हमने बोला, क्योंकि डायग्राम में आप देख सकते हो ना, इंडिया जो है वो सबसे बड़ा सेट है, उससे छोटा है इंडिया जो है वो हमारी कंट्री है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हमारे स्टेट है, और उसके अंदर में पुणे और इंदौर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, हमारी कंट्री ही सबसे बड़ी हो जाएगी ना, इसलिए इंडिया जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया। बी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन फॉर द सेट गिवन बिलो, मतलब यहाँ पे कुछ सेट गिवन है, अभी हमें देखना है कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने कुछ यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेते, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, तो हम उनको कैसे लिखेंगे, तो सेट इस टाइप के, हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का एक जनरल सेट कंसिडर कर, जनरल सेट लिख दिए। ठीक है, ये हो गए हमारे यूनिवर्सल सेट। अभी हम स्टेटमेंट वाइज जाएंगे, मतलब पहला जो सेट क्या है हमें, ए सेट गिवन है, ए सेट क्या है हमारा मल्टीपल ऑफ फाइव, मतलब फाइव का टेबल लिख देंगे हम। बी जो सेट है मल्टीपल ऑफ सेवन है, मतलब सेवन का टेबल। सी मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व है, मतलब ट्वेल्व का टेबल लिख देंगे हम। तो ए क्या हो जाएगा सेट ऑफ टेबल ऑफ फाइव, ठीक है, फाइव टेन फिफ्टी। उसके बाद बी जो सेट है वो है हमारा मल्टीपल ऑफ सेवन, मतलब सेवन का टेबल आएगा। और उसके बाद जो सी जो है वो हमारा सेट है मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व, मतलब ट्वेल्व का टेबल हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों सेट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ए जो है वो नेचुरल नंबर का भी सबसेट है, होल नंबर का भी सबसेट है और इंटीजर का भी सबसेट है। उसी तरह से बी और सी ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के सबसेट होंगे। ओके, उसके बाद हमें सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जो पी है वो जो सेट, पी का जो सेट है वो नंबर ऑफ इंटीजर्स का होगा जो मल्टीपल ऑफ फोर होगा, मतलब आप सिंपली फोर का टेबल लिख सकते हो। और उसके बाद टी जो सेट है वो ऑल द इवन स्क्वायर नंबर है, मतलब जो नंबर होंगे हमारे वो इवन नंबर होंगे, और उनका अगर स्क्वायर लेंगे तो जो नंबर्स मिलेंगे हमें उनका जो सेट बनेगा वो हमारा टी सेट हो जाएगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसका आंसर लिख देंगे हम करेक्टली, कैसे लिखना है, सेट ए बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ एन डब्ल्यू एज वेल एज आई, एनी ऑफ द सेट्स एन डब्ल्यू और आई कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब ये तीनों को तीनों जो सेट है एन डब्ल्यू और आई में भी आ रहे हैं ना, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। आपने नेचुरल नंबर बोल दिया तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, होल नंबर बोल दिया तो वो भी करेक्ट होगा, और इंटीजर बोला तो भी वो करेक्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि पी जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ फोर का सेट है, टी जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको इस टाइप से लिख देंगे, मतलब टू का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, एट का स्क्वायर। ओके, तो ये वाले जो नंबर है ये भी इन बेसिक हमारे जो यूनिवर्सल सेट है उनमें आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट है पी और टी ये भी इन तीनों में से किसी का भी सबसेट बन सकते हैं, मतलब एन डब्ल्यू आर या फिर आई आप किसी को भी यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा सिक्स क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इन एन यूनिवर्सल सेट, मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो है क्लास, हमारे स्टूडेंट ऑफ क्लास है। उसके बाद ए एक सेट गिवन है हमें जो ऐसे स्टूडेंट का सेट है जिन्होंने मैथ्स में 50% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए। ठीक है, अभी हमें इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखना है, तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे। गिवन यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास। ओके,
और सेट ए क्या है हमारा, स्टूडेंट हु सिक्योर 50% मोर मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब अभी ए सेट जो है वो 50% वाले बच्चों का सेट है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जिन्हें 50% से कम मार्क्स है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इक्वल्स टू ए डैश व्हिच इज इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 50% मार्क्स, देन 50% मार्क्स इन मैथ्स, ओके। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, हम उसको क्लियरिफाई कर देंगे। थैंक यू।